क्या आपने गुलाल में कभी हेयरपिक डाला है? नहीं डाला हो तो इस होली पर ज़रूर डालें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारी पहली टिप्स है मक्खी मच्छर को लेकर। जैसे जैसे गर्मी शुरू हो रही है तो मक्खी मच्छर भी आने शुरू हो गए हैं। जब घर में मक्खी मच्छर ज़्यादा होंगे तो बीमारियाँ भी फैलने का पूरा डर रहता है। तो हमें मक्खी मच्छर भगाने के लिए हमें करना क्या है, एक टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो आपकी बहुत ही यूजफुल होगी। हमें एक लोटा पानी ले लेना है और हम कटा हुआ नींबू ले लेंगे। जो भी वेस्ट नींबू रखा हो, कई बार हम काट कर रख देते हैं तो वो नींबू कड़वा हो जाता है, जो हमारे खाने में यूज नहीं होता, तो हम इसके टिप्स के लिए ही यूज में लेंगे। इस नींबू को हमें अच्छे से निचोड़ लेना है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक होता है। और आधा चम्मच डाल देंगे इसमें नमक, नमक जो आप खाने में यूज करते हैं वो डाल दें। और इसमें डाल करके कपड़ा, और इससे हम सारे किचन में पोछा लगाएंगे। आप चाहे तो पूरे घर में भी पानी डालकर इस तरह से पोछा लगा सकते हैं, बिल्कुल भी आपके पास में मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ध्यान रहे आप टाइलों पे और कॉर्नर में इससे पोछा ज़रूर लगाएं क्योंकि कॉर्नर में ज़्यादातर कीड़ी इकट्ठी हो जाती है या मच्छर मक्खी मंडराते रहते हैं सामान के ऊपर, तो इससे बीमारी फैलने का डर रहता है। तो हमें इस तरह से कॉर्नर में अच्छे से पोछा लगा लेना है। और सुबह शाम हम सफाई किचन की करते ही रहते हैं, तो क्यों ना इस पानी से सफाई करें। तो आपका ये टिप्स बहुत यूजफुल होगा और काम में आएगा, इससे मक्खी मच्छर कोसों दूर भाग जाएंगे। गर्मी के समय ये टिप्स आपके बहुत काम आएगी। अगली टिप्स है हमारी गुलाल को लेकर। क्या होता है, होली के टाइम हम खेलते हैं गुलाल तो रिएक्शन हो जाते हैं और एलर्जी करने लगते हैं। कहीं भी हाथ पे लगाओ या मुंह पे लगाओ एलर्जी हो जाती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमारे हाथों में एलर्जी ना हो इसके लिए हम ले लेंगे नारियल का तेल और अपनी पूरी बॉडी पर लेकर मसाज कर लेंगे। हमें अच्छे से मसाज कर लेनी है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा तेल ले लेंगे नारियल का। आपके पास नारियल का ना हो तो आप सिरसम का तेल भी ले सकते हैं, जो हम खाने में यूज करते हैं ना मस्टर्ड ऑयल, वो भी अच्छा रहता है। उसके भी आप मसाज कर सकते हैं, उससे भी आपको कोई भी कलर एलर्जी नहीं करेगा। तो इस तरह से देखिए ये मैंने पूरे हाथों पर अच्छे से मसाज कर ली है। अब मैं इसके ऊपर आपको कलर लगा के दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमारे हाथों पे कलर लग गया है। तो लग ये क्या होता है, कई बार छूटता नहीं है, ऐसे निशान से पड़ जाते हैं। जैसे गुलाबी लगा लिया तो गुलाबी गुलाबी हाथ हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें कोई सूखा कपड़ा लेना है। ध्यान रहे गीला कपड़ा बिल्कुल भी ना ले, गीले कपड़े से ये अच्छे से साफ़ नहीं होगा और ज़्यादा चिपक जाएगा। इसके लिए हम सूखा कपड़ा लेंगे, कोई भी सूखा कपड़ा लीजिए। और देखिए इससे हम इसे साफ़ कर लेंगे, इससे हम इस तरह साफ़ कर लेंगे। सूखे कपड़े से भी साफ़ करने के बाद क्या रहता है कि थोड़े से दाग धब्बे अलग से दिखने लगते हैं, तो ये भी बिल्कुल हमारा साफ़ हो जाएगा। इसके लिए हमें थोड़ी सी ले लेनी है मलाई, जो दूध में आती है ना वो मलाई ले लेंगे और इसको हाथ पर लगाकर अच्छे से मसाज कर लेंगे। हमें इसे हाथ पर लगा करके 1 से 2 मिनट मसाज कर लेंगे। ये नेचुरल मलाई होती है तो इससे ये कोई रिएक्शन भी नहीं करता और इसे निखार भी आता है, स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको रगड़ लेंगे अच्छे से। रगड़ने के बाद, अच्छे से मसाज करने के बाद क्या करेंगे, कॉटन ले लेंगे। एक छोटा सा कॉटन ले ले आप, कॉटन से इसे बिल्कुल हम साफ़ कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और ये कॉटन पर उतर जाएगा। तो इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं इसकी। तो इस तरह मसाज करने से आपकी स्किन भी साफ़ हो जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, स्किन बिल्कुल चमक आ जाएगी स्किन में। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से कलर हाथों पे रह जाता है ना, उसी तरह टाइल पे भी ये कलर रह जाता है। कहीं भी कलर गिर जाए तो वो साफ़ नहीं होता है और कलर अपना रंग छोड़ने लगता है और हमें समय ही नहीं लगता है। मेहमान आ जाते हैं, घर में होली का टाइम होता है, समय बिल्कुल भी नहीं लगता है और वो ऐसे ही 2 घंटे 4 घंटे ऐसे ही कलर पड़ा रहता है तो वो सूख जाता है। सूखने के बाद बिल्कुल भी नहीं उतरता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको गीला कर लेना है पानी डालकर और अच्छे से मसल देना है। और 2 मिनट के बाद इसको अच्छे से पोछे से साफ़ कर देंगे। आप किसी पोछे से या किसी कपड़े से कोई भी कुछ चीज़ ले लें, उससे आप इसे साफ़ कर लें। तो देखिए इस तरह से हम इसको साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद भी देखिए ये हाथ की तरह टाइल पे भी हमारा कलर अलग से दिखाई दे रहा है, इसके दाग धब्बे अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हम हेयर पिक यूज करेंगे। इस पर थोड़ा सा डाल देंगे हेयर पिक डाल करके इसको अच्छे से इसकी भी मसाज कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे।
इसको अच्छे से साफ करने के लिए अच्छे से फैला देंगे और 5 मिनट के बाद इसको उसी पोछे से इसको साफ कर देंगे। तो देखिए हमारी टाइल बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगी और कोई दाग धब्बे भी नज़र नहीं आएंगे। तो आप इस तरह से हेयर पिक का यूज कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।